आप सभी का स्वागत है। कल टेलीग्राम पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट प्रोवाइड किया था, टोटल 293 कॉलेज का ऑल इंडिया कोटा 15% का। आपने डाउनलोड कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप सभी टेलीग्राम ज्वाइन करके डाउनलोड करें। अभी मैं आप सभी को उसका इंपॉर्टेंस बताने वाला हूं और सजेशन देने वाला हूं। आपके पास कुछ प्लान होगा, मैं जो सजेस्ट करूंगा उसको मिक्स करके आपको सोचना है। और हाँ, आप अगर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे आपको फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज मिला है नहीं मिला है, किसी भी कंडीशन में अगर आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको समझना बहुत जरूरी है। आई बस में तो इसको समझें आप सभी। और हाँ, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अपडेट मिलता रहेगा। और आपको क्या प्रॉब्लम है मुझे बताएं, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूं, जवाब शायद किसी किसी को देता हूं, किसी को नहीं देता हूं, लेकिन कमेंट पढ़कर आपको सॉल्व जरूर करता हूं वीडियो के माध्यम से। आप सभी पहले इसको समझे। तो आप सभी इस लिस्ट को देखें, मैंने आप सभी को ये लिस्ट प्रोवाइड कर दिया था कल टेलीग्राम पे। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। और मैं आप सभी को ऑल इंडिया कोटा और स्टेट को लेकर दोनों एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा, ऑल इंडिया कोटा में अगर आपको अलॉटमेंट हो गया है तो सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेड किया है कैसे, आप सभी को चॉइस फिल करना है। और अगर आप सभी को फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया कोटा में कोई कॉलेज नहीं मिला है तो आप सभी सेकेंड राउंड में कैसे चॉइस फिल करेंगे, इस लिस्ट को आप सभी देखें। मैं कोई भी एक सिंपल सा कॉलेज लेकर आप सभी को एग्जाम्पल देकर बताता हूं। सपोज करें कि आप सभी को कॉलेज अलॉट हुआ है ये एम्स जम्मू, ठीक है, ये वाला, या कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज, कोई भी एक कॉलेज ले लेता हूं, ठीक है। और मैंने बोला कि ये सभी जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी क्लोजिंग रैंक है, राइट। यहां पे मैं मान लेता हूं किसी भी एक कैटेगरी को, इसी को ईडब्ल्यूएस में ले लेता हूं, ईडब्ल्यूएस क्लोजिंग रहा इतना, ठीक है। आप सभी अपना अपना कैटेगरी में देखेंगे, क्लोजिंग क्लोजिंग पे ही फोकस करना है, ओपनिंग पे आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है, क्लोजिंग पे, ठीक है, यहां पे क्लोजिंग, ठीक है। और मैं आप सभी को बता दूं, सपोज करें कि आपको कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, और आप सभी का रैंक अप्रोक्स जनरल कैटेगरी 5000 के आसपास है। अब आप सभी को सेकेंड राउंड में चॉइस फिल कैसे करना है, देखें अभी देखें, यहाँ पे सपोज करें कि यहाँ पे ये कॉलेज है, ये कॉलेज जैसे मैंने बोला कि हाँ, अब ये दरभंगा मेडिकल कॉलेज का जो जनरल का रहा 6000 के अप्रोक्स रहा, और कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज का यहाँ पे देखें ये यहाँ पे जनरल का 5000 के अप्रोक्स रहा। तो आप सभी जब सेकेंड राउंड में चॉइस फिल करेंगे तो मैं आप सभी को जस्ट सजेस्ट करूंगा, बाकी डिसीजन आपका है। देखें इसके जो नीचे का जो भी कॉलेज है इसका चॉइस फिल ना करें, मतलब इसके ऊपर का ही चॉइस फिल कॉलेज करें आप सभी, ठीक है। आप सभी अपना अपना कैटेगरी देख लेंगे, ऊपर का ही कॉलेज चॉइस फिल करें, ये सब कॉलेज, अगर इन सभी कॉलेज का प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो, ठीक है, इसके नीचे का कोई भी कॉलेज आप ना चूज करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज आपके स्टेट से दूर है, आप चाहते हैं कि आप घर के आसपास मिले, तब तो नीचे आप सभी जा सकते हैं, लेकिन बाकी कंडीशन में ना जाए तो ही बेहतर रहेगा। आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से मैं आप सभी को एग्जांपल लेकर बताता हूं। अभी देखें सपोज करें कि यहां पे आपको कॉलेज अलॉट किया गया, यहां पे 189 वाला कॉलेज, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये कोई भी कैटेगरी मैं ले लिया, ये एससी कैटेगरी, क्लोजिंग रैंक कितना, इतना रहा, ठीक है, आपका इतना रैंक के आसपास आपको ये कॉलेज मिला है, ठीक है। आप अपने अपने कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक देखेंगे। तो आप सभी को अगर चॉइस फिल करना है तो ये बाकी जो ऊपर का कॉलेज है, ये 188 का ऊपर का जो कॉलेज है, मतलब 1st preference to 188, इसी बीच का आप सभी कॉलेज चॉइस फिल करेंगे, ना कि 190 या इससे कम, या इनफैक्ट आप सभी को जो अभी फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है, मैं सजेस्ट करूंगा कि उस कॉलेज का प्रेफरेंस आप सभी सेकेंड राउंड में ना दे तो ही बेहतर है, क्योंकि ऑलरेडी वो कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिल गया है और आप सभी अपग्रेड किए हैं ताकि कोई अच्छा कॉलेज मिले, ठीक है। आप सभी इसके ऊपर ही कॉलेज का प्रेफरेंस देंगे, इसी के बीच में फर्स्ट टू 188, 190 के नीचे के कॉलेज का प्रेफरेंस आप ना दे तो ही बेहतर है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर सपोज करें कि 62,200 पे आपको ये कॉलेज मिला है, आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा कि कोई बेस्ट रैंक पे कोई अच्छा कॉलेज मिले इसके ऊपर,
आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये तो रहा उनके लिए जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है, सेकेंड में आप सभी अपग्रेड किए हैं। अब उनके लिए जिनको फर्स्ट राउंड में भी नहीं मिला है, तो देखें ये कंप्लीट लिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दिया है, मैंने बहुत मेहनत करके बनाई इसके लिए, ठीक है। और आपको प्रेफरेंस भी प्रिपेयर बता दिया है और ये लिस्ट भी मैंने आपको दे दिया है। अब आप सभी को इन टोटल 293, टोटल यहाँ पे देखें टोटल कॉलेज जो है वो 293 कॉलेज है, ठीक है, 293 कॉलेज है, ठीक है। अब इन टोटल कॉलेज में आपको ये देखना है किस किस कॉलेज का आपको देना है। हालांकि आपके सामने कंप्लीट कॉलेज का लिस्ट है, अगर आपका सपोज करें कि रैंक 16,000 है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक है, 17,000, 18,000, 20,000 या उससे मतलब इसके अप्रोक्स है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कोशिश करें जितना ज्यादा से ज्यादा कॉलेज का प्रेफरेंस दें। अगर आपको लगता है कि स्टेट से नहीं मिलेगा तो जितना ज्यादा से ज्यादा कॉलेज का प्रेफरेंस दें, मतलब टोटल 293 कॉलेज है, इसमें मैक्सिमम कॉलेज का अगर प्रेफरेंस देते हैं तो आपको मिलने का उम्मीद ज्यादा रहता है। अगर सपोज करें आप सभी 200 कॉलेज का ही प्रेफरेंस देते हैं, यहाँ पे मैं आपको देख के बताता हूँ, यहाँ पे देखें इसको ही मिटा लूं मैं, ठीक है। अगर सपोज करें यहाँ पे मैंने, अगर आप चाहते हैं कि 200 कॉलेज का ही प्रेफरेंस आपको देना है, चलिए तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। और आप कराएंगे अगर 16-17 हज़ार है, तो यहाँ पे देखें अगर 200 कॉलेज का प्रेफरेंस देंगे तो 200 कॉलेज, यहाँ पे देखें 200 कॉलेज तक का कितना रैंक आया है। देखें यहाँ पे जनरल का क्लोजिंग 9,648, ये रहा ओबीसी का, ये रहा सॉरी ये रहा ईडब्ल्यूएस का, ये रहा ओबीसी क्लोजिंग, एससी क्लोजिंग, एसटी क्लोजिंग। तो अगर आप सभी 200 का ही डालेंगे और आपका रैंक अगर 16,000, 17,000, 18,000 इसी के आसपास है, 15,000 ही, आपको कॉलेज कैसे मिलेगा? ऑल इंडिया कोटा से तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि अब आप एक बार बताएं, आपको लगता है कि ये जो भी कॉलेज है, ये मानो कि मैं मान लेता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज ये वाला बेतिया, आपको लगता है कि बेटी बेतिया का आपका 16,000 रैंक है और बेतिया आपको एलॉट होगा? शायद ही ऐसा हो, ठीक है। क्योंकि जो सबसे लो रैंक वाले कॉलेज हैं वो तो ये सब है ना, वो तो ये सब जोरम, टोमो, अरिबा, गवर्नमेंट पे, ठीक है, ये सब है ना, ठीक है, आई बात समझो ना। तो सजेस्ट करूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा कॉलेज सेकेंड राउंड में डालें। हाँ, आप सभी इसमें देख सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज डालना है, कौन सा नहीं डालना है। 10-15 कॉलेज ठीक है चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कॉलेज अगर नहीं डालते हैं तो आपके लिए शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और आपको कॉलेज भी चाहिए और एक बेटर कॉलेज चाहिए और आपके घर के आसपास भी चाहिए, सब मतलब होता है ना कि जस्ट लाइक आपको सब तरीके से आपको बेस्ट अगर चाहते हैं और रैंक भी पीछे है तो शायद आपको कॉलेज ना मिले, अगर इतना चॉइस आप करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सभी एक बार सोचें, पेरेंट्स से डिस्कशन करें, ठीक है। मैंने आप सभी को बता दिया। और स्टेट का जहां तक बात रहा तो देखो मैं आपको बताता हूँ, अब इसमें से ना अगर मानो कि आपके स्टेट का कोई कॉलेज है, आपको समझना यह है कि कौन कॉलेज बेस्ट है, कौन कॉलेज बेस्ट मतलब किसको ऊपर नीचे रखा जाए, और स्टेट का भी लिस्ट आपको कोशिश करूंगा कि प्रोवाइड कर दूं। ने देखा और आपको समझ में आया होगा। आप सभी एक बात मुझे बताएं कि ये जो लिस्ट मैंने दिया है आपको कितना हेल्प मिला, ताकि आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट बनाऊं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूं। अभी इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।